कितना कोविड फैल गया है यार, बहुत कोविड हो गया है। हे गॉड, हवा में फैला दिया, अब हवा को कैसे सैनिटाइज करें? सैनिटाइजर से तो मैंने हाथ सैनिटाइज कर लिए, नहा भी लिया, हवा में कैसे सैनिटाइज करें? कुछ करो भगवान। ये क्या है? तो गाइस ये है न्यू फॉगिंग मशीन। क्या मैं समझ में नहीं आया ना? समझ तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहां पर तो बेसिकली यहां पर रखता हूं मैं आपको बताता हूं ये है क्या। ये थर्मल फॉगर है गाइस। ये जैसे कि आपको पता है कोविड हवा में भी फैल चुका है, एंड कई घर में ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम सैनिटाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, बेडशीट्स, इनको कैसे करोगे यहाँ पे बेड पे? मैं चेयर को उसमें कैसे स्प्रे मारूंगा? खराब हो जाएगा। अल्कोहल स्प्रे मारूंगा, खराब हो जाएगा। तो उसके लिए ये मशीन है, और ये है थर्मल फॉगर है बेसिकली। तो इसका मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या करता हूँ। इसमें आपको केमिकल डालना होता है। केमिकल डालने के बाद वो उसे फॉग में कन्वर्ट कर देता है, स्मोक में। यू कैन से स्मोक, बट वो फॉग होती है एक तरह की, इसी की केमिकल की, और वो पूरे एयर को करती है सैनिटाइज। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे बोल कर मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसका जान लेते हैं इसमें करती यूज कैसे करते हैं। ये तो बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, एंड बहुत अच्छा है। मैंने भी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, जब से मैं कोविड पॉजिटिव हुआ तब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, काफी इफेक्टिव है। मेरे घर में छोटा बच्चा है, वहां पे यूज कर रहा हूँ मैं। तो मेनली बेसिकली ये फॉग को फॉग में कन्वर्ट करता है। मेन इसमें जो डलता है वो है यहाँ इसमें शीशी में, छोटा सी जो वायर दिख रही है, ये हमको एक शीशी में डालनी पड़ती है। ये मैंने एक शीशी सी रखी हुई है, यहाँ पे आप देख पाएंगे शीशी है, और इसी में मैं ये इसकी जो ये वाली वायर है ये इसको डिप कर देता है। इसी से केमिकल जाएगा इसके अंदर और वो फॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसका एक प्लग है, यहाँ पे टू प्लग्स हैं। एक वन नंबर पे थर्मल चलेगा, दो नंबर पे जो इसका थर्मल मीन्स जो हीटिंग एलिमेंट है वो कितने है, ज़्यादा हीट करेगा या कम हीट करेगा, दो नंबर पे रखना होता है। टू नंबर इज द बेस्ट। यहाँ पे टाइमर है, 5 मिनट मैक्सिमम चला सकते हैं। तो इसको यूज करते हैं गाइस, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे यूज होगा और इसमें कैसे स्मोक निकलेगी। इसके साथ ही मैंने ये चीज मंगवाई थी, एंड ये एक ये इसका डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है। ये इसमें तुलसी, नीम, पाइन, थर्मोल एंड सिट्रोनिला शायद ये केमिकल, आई एम नॉट अ केमिकल इंजीनियर, बट ये सिट्रोनिला ही मेरे ख्याल से सैनिटाइज करता है पूरी अच्छे। ये केमिकल्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, हार्ड भी आते हैं, सॉफ्ट भी आते हैं। ये हर्बल है, इसमें नीम तुलसी वाला है, तो इसलिए मैंने लिया, क्योंकि घर में मेरे बच्चे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन करनी है, बहुत ज़्यादा करना है, तो आप कोई और यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, आपको मैं पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे आपको इसको टू नंबर पे सेट करना है। टू नंबर पे सेट कर दिया, इसमें ये जो लिक्विड है मैंने इसमें निकाल रखा है, सेम वही है। थोड़ा सा मैं इसमें डाल देता हूँ, थोड़ा सा डाला आपको लोगों को दिखाने के लिए। मैं सैनिटाइज कर चुका हूँ घर को, रात को कर लीजिए, सुबह कर लीजिए। जब आप इसको दो नंबर पे कर दोगे तो आपको जस्ट वेट करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, जब जैसे ही फास्ट थोड़ा कर, यहाँ पे रेड लाइट जल जाएगी, यहाँ पे ग्रीन नहीं, रेड जलेगी, एंड उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस ये स्टार्ट हो चुका है स्मोक आना, आप देखोगे कि यहाँ पे स्मोक आ रहा है और बहुत अच्छे स्मोक आ रहा है। चेक कर देता हूँ, और यही स्मोक पूरे रूम को सैनिटाइज कर देगा थोड़ी देर में, और बहुत अच्छे से सैनिटाइज होगा। तो यही है गाइस फॉगिंग मशीन। देखिए टाइमर पे लगाया था मैंने, टाइमर पे आ गई, अपने आप स्टॉप हो गया, इसने पूरा स्मोक कर दिया। ये है गाइस फॉगिंग मशीन, और इसने पूरा आपको देखोगा पूरा स्मोक ही हो गया, और बहुत अच्छे से हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यू कैन शूट स्मोकिंग लाइक दिस। यू कैन डू फन, हैव फन विद दिस स्मोक मशीन। एंड ये इतना हार्मफुल भी नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक है, नीम ऑयल है, नीम है,
बच्चों को वैसे दूर ही रखिएगा, बट तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। वीडियो अच्छी लगे फॉगी मशीन बेस्ट है, जल्दी से ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, बता रहा हूं मैं, कर देना, बस कर देना।